हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज एक नया गेम जो कि मैंने डाउनलोड किया है। इस गेम के अंदर आपको एक मिशन पर जाना है जिसमें आप गैलेक्सी को कंट्रोल करते हैं और काफ़ी सारे नए नए बैकग्राउंड के साथ में और काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल आएंगे इसमें। बट इसकी सबसे अच्छी बात है, इस पर लेवल बहुत जल्दी क्रॉस होते हैं और नए नए आपको पर्क्स जो है रेडी मिलते जाते हैं। ऑब्स्टिकल और कलर इतने शानदार हैं कि आप इस गेम को खेलते खेलते पसंद करने लगेंगे। तो इस गेम के बारे में डिटेल आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये गेम क्रिस क्रॉस गेम्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका नाम है शूटर एरो द गैलेक्सी शूटर। 57 MB के इस गेम में आपको जो गेम स्टार रेटिंग है वो 4.1 की स्टार रेटिंग दी हुई है। मुझे नहीं पता क्यों इतनी कम रेटिंग दी हुई है इस गेम के अंदर। ना तो अभी तक आप देखेंगे, मैंने पूरा 10 से 12 मिनट तक गेम खेला है, ना तो इसमें एक सिंगल ऐड आया है और ना ही कहीं गेम बीच में रुका है। हाँ, लेवल तुरंत क्लियर होते जा रहे हैं और नए नए पर्क्स मुझे इसमें मिलते जा रहे हैं। गेम जो है बिल्ड हुआ है 2020 में और तब से लेकर इसके 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और सारे पॉजिटिव, मैंने जितने भी रिव्यू देखे हैं सभी पॉजिटिव रिव्यूज़ ही हैं इसके। बस इसमें एक नेगेटिव मुझे लगा था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे अगर डाउनलोड करते हैं तो इसको +7 की रेटिंग दी हुई है जो कि मिड बैलेंस जो है उसको दिखाता है, इंडिकेट करता है। तो मिड बैलेंस में देखा जा सकता है, खेला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कितने नए नए डिज़ाइंस आ रहे हैं और हर एक ऑब्स्टिकल के बाद में आपको एक सिलेक्शन के लिए मिलता है जिसमें आप या तो ज़्यादा लाइफ चूज़ कर सकते हैं, बुलेट्स का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी अटैकिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखिए जी, इस तरीके से ये मुझे एक बग गिफ्ट मिला है, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस फिर में मुझे एक नया पावर अनलॉक हुआ है। ये देखिए, ये गियर अप हो गया है। अभी मैं लगभग इसको 2x स्पीड में चला रहा हूँ तो आपको कुछ फास्ट दिख रहा होगा, एनिमेशन थोड़े से फास्ट चल रहे होंगे। ये देखिए, लेवल 1-2 कंप्लीट। तो आप भी इस गेम को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद इसको देख सकते हैं। देखने के अलावा इस तरीके इसके जो फीडबैक हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बुलेट अप किया है तो अभी जो बुलेट का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ के मिलेगी। धीरे धीरे हार्ड होते जाता है। ये मैं अभी 5वें लेवल पे आया हूँ और 5वें लेवल पे ही इसको गेम को खेलने का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। इस तरह से जब आप भी खेलेंगे तो आप भी इस एक्सपीरियंस को ले सकते हैं। इसी टाइप के सिमिलर गेम और भी गैलेक्सी वॉरियर वगैरह भी मैंने प्ले किए हैं, पर उसमें हर 2-3 सेकंड में कोई ना कोई ऐड आ जाता है जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बिगड़ जाता है। आजकल प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे ऐड आने लगे हैं सारी एप्लीकेशन, क्योंकि ऐड के जरिए रेवेन्यू जनरेट करती है तो उनको ज़रूरी हो जाता है ऐड को भी देना। देखिए, 5वां लेवल कंप्लीट हो गया और अभी मुझे 3 मिनट तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी इसका आप डबल कर लीजिए टाइम। ये 6 मिनट के अंदर मैं 5 लेवल कंप्लीट कर चुका हूँ। देखिए, नए गैलेक्सी का बैकग्राउंड और नए एनिमीज, डिफरेंट टाइप के ऑब्स्टिकल आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से एस्ट्रॉइड्स ऊपर से गिर रहे हैं और एस्ट्रॉइड्स से भी बचना है, साथ ही साथ आपको एनिमी को किल भी करना है। अटैक भी होता है आपके ऊपर जिससे आपको उसके लिए डिफेंस के लिए रेडी रहना रहेगा। मूवमेंट काफ़ी फास्ट रहता है स्क्रीन के ऊपर। एंड्रॉयड 5.1 से प्लस जितने भी डिवाइस है वो कंफर्टेबल है इस गेम के लिए। गेम में एक और प्लस पॉइंट ये रहेगा, आपके डाटा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि इसमें लॉगिन करने के लिए कोई साइनअप नहीं करना पड़ता, ना नंबर शेयर होता है, ना आपका मेल आईडी शेयर होता है। डाटा की पूरी सेफ्टी है, इवन जो इसके डेवलपर्स हैं उनकी साइड से भी ये दिया हुआ है कि इसमें पूरा जो डाटा है किसी भी थर्ड पार्टी से शेयर नहीं किया जाता है और जो भी आपका गेम प्रोग्रेस डाटा है वो भी इनक्रिप्टेड रहता है और ये डाटा किसी भी तरीके से इनके द्वारा डिलीट नहीं किया जाता है। आप गेम को अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपकी प्रोग्रेस आपके प्ले स्टोर पे जो प्ले स्टोर के अंदर आपको गूगल प्ले आता है उसके अंदर जो प्रोग्रेस सेव हो जाएगी वो वहीं के वहीं सेव रहेगी। तो आपको देखने में कैसा लग रहा है ये गेम आप देखिए, और मुझे एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए, प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिए। और अगर कुछ भी फीडबैक हो, यानी अगर आपको
और क्या जानकारी चाहिए गेम के बारे में, वो आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट टाइम कभी अगर मैं किसी गेम का रिव्यू करता हूँ, ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। ये जितने भी गेम मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम आपकी डाटा और प्राइवेसी पॉलिसी का पूरा ध्यान रखते हुए ही देते हैं। तो आप खेलिए और एक्सपीरियंस